कन्नौज रतवाए डोंगाकुई मार्ग पर प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण के वक्त दोनों ओर से पानी की निकासी हेतु नाले नहीं बनाए जाने पर खामियाजा कई ग्रामवासियों को भुगतना पड़ रहा है। रतवाए के साथ ही डोंगाकुई, गुड़वेल, भेसून, पंगारा के साथ ही कई गांव को यह मार्ग जोड़ता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मार्ग से लोहरदा काटाफोड़ भी जोड़ा गया है, जिसमें आने जाने वालों को करीब 20 किलोमीटर का फेर बच जाता है। ग्राम पंचायत रतवाए के पूर्व सरपंच के घर से पेयजल टंकी तक सड़क पर घुटने घुटने पानी भर जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि इस वर्ष बारिश के मौसम में सड़क किनारे बने मकान तक आने जाने वालों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यह समस्या विगत 3 वर्षों से है। पानी भरे रहने से कई बार बाइक सवार स्लिप हो जाने के कारण पानी में गिर जाते हैं। कन्नौज से कमल गर्ग की रिपोर्ट। इसका निदान कर रहे हैं हम। तो ये कब से भरा था पानी? बस भी बरसात में भराया है। तो ये समस्या क्यों नहीं हल हुई अभी तक? आज कर रहे हैं सर। ऐसा है? हाँ। तो कारण क्या आ रहा है, पानी क्यों भरा रहा है? लोगों ने मट्टी डाल ली रोड के साइड साइड। अब क्या कर रहे हो उसमें आप? नाली खुदवा रहे हैं। कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत रतवा। क्या शुभ नाम आपका? हेमराज सावले। 2 साल से ऐसा। हाँ, ये पानी की क्या कारण है? ये पानी नहीं, पानी आगे निस्तार लग जाए उसका सर, मतलब सरकार पानी हट जाए बस। ऐसा है? हाँ, सरकार जमीन आगे पानी हट जाए नाल लग के। तो ये ग्राम पंचायत अभी तक नहीं कर पा रही क्या? नहीं कर पा रही। ऐसा कौन सा पानी है? ऐसा मकान बनने में कोई हिस्सा दे रहा है पानी नाम की जमीन में से? कौन सी ग्राम पंचायत है ये? ये मतलब रतवा, रतवा ग्राम पंचायत। तो ये पुलिस के अधिकारी भी आए क्या? आज भाई तो खड़े सर आगे। ये काय के लिए आए यहाँ पे? ये मकान का पानी हमने लिया इधर सर। अच्छा, ये जो बंदा मकान के गरीब आदमी का। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।